हेलो फ्रेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? आज 28 रमज़ान है, प्रोबेबली जो है ना रमज़ान ख़त्म होने को है। रमज़ान जो है वो ख़त्म होने को है, जैसे आपको पता है अलविदा है माहे रमज़ान। आज जो फ्राइडे है, लास्ट फ्राइडे है रमज़ान का, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो लास्ट फ्राइडे की, रमज़ान की। तो ईद आने वाली है, जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं वो लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि ईद जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन लेके आती है, जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखे होते हैं। तो ये था रमज़ान की सूरत हाल, और माशाल्लाह से मेरे रमज़ान में बहुत मज़े का जा रहा है, आप लोगों का भी मज़े का जा रहा होगा। तो आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको टाइटल से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो है किस बारे में, तो फिर भी मैं आपको बताती चलूँ। आज की वीडियो जो है वो है अबाउट ओल्डर डिशियन टॉयज, जिनके साथ बच्चियाँ खेला करती थी इन चाइल्डहुड। तो आज कल वो चीज़ें बहुत रेयर हो चुकी हैं, तो आज जो वो चीज़ें हैं वो हमारे ड्राइंग रूम का हिस्सा है। हमने उनको ऐसे रेयर और आर्टिकल पीस जो है वो संभाल के रखा हुआ है। तो आज हम आपको दिखाते हैं वो सारी चीज़ें जो कि ओल्ड ट्रेडिशन का हिस्सा थी और अब रेयर हो चुकी हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वीडियो। तो गाइज़, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी ओल्ड ट्रेडिशन का हिस्सा थी। ये देख सकते हैं आप, पीछे पंखी पड़ी हुई है, हैंड फैन, हिम्मत फ़ैन भी जिसे बोलते हैं। देखें किस कदर रियर है, इसके ऊपर वर्क किया हुआ है स्टोन टाइप का और मतलब मोतियों का। और ये नीचे आप देख सकते हैं चरखा मौजूद है, जो कि जिसके साथ धागा बुना जाता था। आपको अगर पता हो तो पंजाबी कल्चर का हिस्सा ये मधानी है, जिससे दूध जो है वो निकालने के लिए, जो दूध से मक्खन और वो दूध रिड़कने के लिए पंजाबी में अगर बोलूँ तो वो यूज़ किया जाता था। और साथ में ये कुछ आर्टिकल पीसीज हैं जो वो चूने के साथ कुछ बने हुए हैं। और नीचे आ जाएं तो हम देख सकते हैं ये नीचे गुलदान बने हुए हैं, ये मिट्टी के गुलदान हैं, और इनके ऊपर बहुत ही प्यारा जो है वो आर्टिकल वर्क किया हुआ है। और ये साथ में लैम्प पड़ा है नमक का, ये जो नमक का लैम्प पड़ा हुआ है इसके अंदर लाइट लगा के हम इसे यूज़ करते हैं। ये जिनके सांस का प्रॉब्लम होता है, तो मेरे फादर को सांस का प्रॉब्लम था, तो हम इस लैम्प को यूज़ करते थे। डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि सर्दी में, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो आपने इसको यूज़ करना है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये पड़ा हुआ है, सीपियों से बना हुआ है, एक एस्ट्रे पड़ा हुआ है, ये अलार्म क्लॉक पड़ा हुआ है। Thank you.
तो गाइस इट वाज अबाउट टुडे व्लॉग और वीडियो व्हाट यू वांट टू से। तो ये था आज का व्लॉग और जो कि ओल्ड ट्रेडिशन थी हमारी, ओल्ड ट्रेडिशन और उसका जो चीज़ें थी यूज़ होती थी उसके बारे में आज का व्लॉग। तो होप सो अगर आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, तो और प्रेस करना है बेल आइकन को ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।